हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी में मैं आपको इस समय एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रहा था कि अपने यहां जो संघ की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारी हैं, किन की क्या जिम्मेवारी है और भारतीय संविधान उनके लिए क्या क्या प्रावधान करता है, इन्हीं पर हम व्यापक परिचर्चा कर रहे थे। आज उन्हीं के क्रम में मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में सारी जानकारियां बताई थी कि प्रधानमंत्री के दायित्व, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री से अन्य प्रावधान, भारतीय संविधान क्या क्या करता है, उन पर हमने बहुत विस्तृत परिचर्चा की थी। आज उन्हीं में आगे प्रधानमंत्री के बाद मैं आपसे आज बात करूंगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती क्या है, भारतीय संविधान कैसा कैसा प्रावधान करता है, हम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, मंत्रिमंडल शब्द और मंत्रिपरिषद क्या दोनों एक के ही लिए इस्तेमाल होते हैं या मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, ठीक है, जिनको आप स्वतंत्र प्रभार भी देखते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, इन सारी श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, मंत्रिमंडलीय समितियाँ क्या होती हैं, समितियों को जो अधिकार दिए जाते हैं इनके लिए भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है आदि, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस पॉइंट से बनते हैं। और यह है जो आपका बिंदु आज का है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो मंत्रिमंडल से सवाल तो उठा के ही दे देगा। आज तो बहुत विस्तृत, जैसे इसमें अंतर पर भी पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विभेद है, ठीक, उनमें चार ऑप्शन बना देगा, या मंत्रिपरिषद से जो है उसके अधिकार से लेकर सवाल पूछ लेगा, संवैधानिक प्रावधान से पूछ लेगा। तो आज का पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मन लगाकर जो है इसको सुनिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही मजा भी आपको आएगा क्योंकि इसमें बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे और जहां से सवाल चुपके से उठाता है उन सभी को हम बहुत व्यापक तरीके से यहां बात करेंगे। तो अभी भी वक्त है, टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए निःशुल्क जो ये प्रोग्राम चला रही है 10 प्लस, इसके अंतर्गत जो भी आपके क्लासेज होती हैं उन क्लासेज के हम नोट्स भी प्रोवाइड आपको कराते हैं डेली बेसिस पर, जितनी 4 से 5 क्लासेज होती हैं उन सभी की नोट्स आपको दी जाती है। तो जब नोट्स आपको दी जाती है, नोट एक बेहतरीन ढंग से लिखी भी होती है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में होती है, और लास्ट में जितनी क्लासेज हम पढ़ा रहे वो सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके आपको देंगे। तो जो लोग अभी भी नोट्स से जो है खरीदना चाहते हैं, क्लासेस तो आप पढ़ ही रहे हैं प्रॉपर वे में और नोट्स भी खरीदना चाहते हैं, वो लोग क्या करें, आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान परीक्षा प्लस ऐप से जाकर के परचेज कर सकते हैं 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत। यहां पर आपको 3 महीने में जितनी भी क्लासेज हम हर दिन आपसे जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे उन सभी की पीडीएफ नोट्स, एक अच्छी पीडीएफ आपको देंगे जो काफी गुणवत्तापूर्ण होती है। तो बढ़ते हैं आज के जो आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर परिचर्चा के लिए, बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि यह जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, ठीक है, बीओ की परीक्षा के लिए जो है, आप सामान्य परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी को लेकर, सभी में इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा बिंदु क्या है, आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, कि जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, यह मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है, ठीक है, और भी इन पर परिचर्चा हमें करनी है बहुत व्यापक तरीके से। इन बातों को बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी सुनते रहिएगा ताकि हर एक चीजें आपको बहुत ढंग से समझ में आती रहे। ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हमें परिचर्चा करनी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे जुड़ा है वह है आपका आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 से जब आप संबंधित बातों को पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे प्रावधान आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगे कि वो चीजें क्या होती हैं, वो भारतीय संविधान में आपकी उपबंधित की गई हैं, जिसके तहत आपको क्या मिले, सारी जो है जो मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां हैं, प्रावधान हैं, ये अनुच्छेद 74 को लेकर के की जाती हैं। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जैसे जब हम भेद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मंत्रिपरिषद जो बनती है हमारी, इस मंत्रिपरिषद में बहुत सारे आप नाम अलग अलग सुनते हैं, किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट, ऐसे नाम भी सुनते हैं, तो इसमें जो इसकी श्रेणियां हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, ठीक है, इसके दायित्व वगैरह अभी हम परिचर्चा करते हैं, अभी मैं छोटा मोटा पॉइंट आपको बता रहा हूं। मंत्रिपरिषद में जो है विभेद होता है भैया, जो मंत्रिपरिषद होती है
इस मंत्रिपरिषद के भेद होते हैं, तीन स्तर के अपने यहां मंत्री पाए जाते हैं, इन सभी को हमें पढ़ना है। इनमें एक आपका कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, उसके साथ एक राज्य मंत्री होता है जिसको आप स्वतंत्र प्रभार और जो है राज्य मंत्री के तौर पर देखते हैं, और तीसरा जो बनता है वह आपका बनता है उप मंत्री, ठीक है। तो इन तीनों मंत्री के विभेद को समझेंगे, इनके प्राधिकार को समझेंगे और तमाम अन्य बातें जो है इनसे जुड़ी हम आज जानेंगे। तो मुद्दा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, मजा भी काफी आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको नए मिलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं एक एक प्रावधानों को बहुत विधिवत ढंग से समझने के लिए, ठीक है। देखिए यहां पर जो हम पर चर्चा करने जा रहे हैं आज, उनको बहुत ढंग से समझिएगा। हमारी जो राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, जो हमारी जो है मंत्रिपरिषद होती है, या मंत्रिपरिषद हमारे यहां क्या शब्द यूज हुआ, राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है अपने यहां और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इन दोनों का एक सम्मिलित जो मिला जुला नियंत्रण होता है, वह नियंत्रण किसके हाथ में होता है, मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह नियंत्रण पूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कार्यकारी अधिकारी लिख दिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का दर्जा किसको, मंत्रिपरिषद को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, किसमें पूछता है, मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है भारतीय संविधान, तो अनुच्छेद 74 है। अगली चीज, राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है यह मंत्रिपरिषद। 1971 की बात है, 1971 की बात है, 1971 में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा के भंग होने के पश्चात मंत्रिपरिषद कार्यशील नहीं होगी, ठीक है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है किसी कारणवश, तो जो मंत्रिपरिषद बनता है यह मंत्रिपरिषद आपका कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 74 आवश्यक है, अतः जो है राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं परामर्श के नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल 74 इतना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को अगर अपने जो उसको अधिकार भी मिले हैं उन अधिकारों का प्रयोग वह किसके तहत करेगा, वह इस मंत्रिमंडल के तहत करता है, ठीक है। तो अब इसकी महत्वपूर्णता आप समझ गए कि देश का सर्वोच्च पद जिसके हाथ में समस्त कार्यकारी शक्तियां मानी जाती हैं, ठीक है, कार्यपालिका से, और वो सारी चीजें वो किसके लिए प्रावधानित है, वह ऐसा प्रावधानित है कि वह जरूर मंत्रिमंडल की सलाह लेगा, ठीक है, यह उसके लिए आवश्यक है। अब मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद में मंत्री बैठेंगे, ठीक है, काउंसिल साहब मिनिस्टर बोलते, तो इसमें मंत्री बैठेंगे, तो मंत्री बनने के लिए नियुक्ति होती है, प्रावधान क्या है भारतीय संविधान में समझिए। जो राष्ट्रपति है आपका, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सीधा लिखा रहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति जो है क्या करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति कभी भी स्वयं से निर्णय लेकर नहीं करेगा, जिसको प्रधानमंत्री आपका क्या देगा, जिसको प्रधानमंत्री सलाह के तौर पर बताएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उन्हीं नामों पर मुहर लगाता है कि ये व्यक्ति जो है मंत्री बनाए जाएंगे। अगली बात, सामान्यता लोकसभा या राज्यसभा से ही, जो अपने यहां दो सदन है संसद, संसद के एक उच्च सदन एक निम्न सदन, जो राज्यसभा और लोकसभा है, से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है, ठीक है। वही जो सांसद जिनको हम चुनकर भेजे, उन्हीं सांसदों में से किसी को मंत्री पद पर जो है आसीन किया जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है, तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। यानी अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी हैं और आप मंत्री बनना चाहें, तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है। बस दिक्कत यही है कि आपको 6 माह के भीतर उस मंत्री पद के लिए किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से क्या हासिल करना होगा, सदस्यता हासिल करनी होगी। सवाल पूछता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बिना बने मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 6 माह के तक वो मंत्री बनाया जा सकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान उसको अपनी सदस्यता किसी भी सदन से लेनी पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
निर्वाचन से वो चुन जाए या नामांकन से, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाएगा। राज्यसभा के द्वारा वो आ जाए या लोकसभा के द्वारा आ जाए, यह चीजें जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है। ठीक है, मतलब मंत्री लोकसभा से मान लीजिए कोई सदस्य वो मंत्री बना, तो राज्यसभा की कार्यवाही में भी वो बैठने का अधिकारी होगा, बोलने का अधिकारी होगा, वो मंत्री है भले ही वो सदन का सदस्य नहीं है। दूसरी बात, वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। इस बात को याद रखिएगा, बोलने का तो उसको अधिकार है, उसके जो है बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का उसको अधिकार उसी सदन में है जिसका वह सदस्य है। ठीक है, अगली बात, मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक, अगर पूछता है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति आपका दिलाता है। ठीक, उनके गोपनीयता से संबंधित, पद की गोपनीयता क्या होती है उससे आधारित शपथ दिलाता है। और जो ये मंत्रियों के वेतन होते हैं और भत्ते होते हैं, यह संसद समय समय पर निर्धारित करती रहती है। ठीक है, संसद अपने अनुसार इनमें परिवर्तन लाती रहती है। तो ये जो दायित्व है, जिन प्रावधानों के बारे में हमने पढ़ा, ये सारी चीजें आपकी संबंधित थी मंत्री परिषद से। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति से, कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं। अब आगे हमें बात करना है कि आखिर मंत्री हमने बनाया, भारतीय संविधान इतना बड़ा प्रावधान इनके लिए करता है, तो इनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे, मंत्रियों के उत्तरदायित्व तो क्या है, इन बात को, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या है, इनको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला जो इनका उत्तरदायित्व आता है वह सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत है। पहला जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब जितने मंत्री हैं ये पूरे समूह होता है मंत्रियों का, वह समूह किसी के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। ठीक है, जैसे हम परिवार में हैं, अब आप परिवार में कोई काम करोगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं कि भैया तुमने ऐसा काम क्यों कर डाला, आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे ही ये जो मंत्री परिषद बनाई जाती है, इसको भी किसी के लिए क्या किया जाता है, जब इतना बड़ा इनको अधिकार मिलता है तो इसीलिए इनको किसी के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। ठीक, एकदम निरंकुश की भांति आप कार्य ना करें कि जो मर्जी वो कर डालें, इसके लिए क्या होता है, अनुच्छेद 75 यहां पर प्रावधानित करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सवाल बहुत बार आया है, मंत्री परिषद किसके प्रति लोग जो है उत्तरदायी होगी, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ठीक है, जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है, कौन, लोकसभा अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो उस दौरान क्या होगा, सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, भले ही वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मंत्री बने हैं, तब भी उसको भी जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार का जो उत्तरदायित्व है वह व्यक्तिगत, सामूहिक तो है ही है। ठीक, कि समाज में जैसे हर एक परिवारों की जिम्मेदारी होती है, आपके, आपने कोई ऐसा कार्य किया तो समाज आपसे भले ही पूछेगा, साथ ही साथ आपके घर वालों से पूछेगा, आपका लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक, ऐसी बातें क्यों सुनाई दे रही, तो सामूहिक भी आप जिम्मेदार हैं समाज में, और व्यक्तिगत भी जिम्मेदार है, आपसे भी आपके घर वाले पूछेंगे, समाज के लोग पूछेंगे, आपके रिश्तेदार पूछेंगे कि भैया ये बताओ ऐसा काम तुमने क्यों किया है। तो वहां पर दोनों चीजें, ऐसे ही मंत्रियों की जिम्मेदारी, पहली तो सामूहिक जिम्मेदारी हो गई कि वो परिवार के तौर पर एक पूरा समूह है उनका, तो उस समूह से लोकसभा हर एक उनके कार्यों के लिए पूछती है। दूसरी, जो हर एक जो है व्यक्तिगत मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है, ये क्या है, अनुच्छेद 75 कहता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत क्या होंगे, इनका वर्णन कैसे अनुच्छेद 75 किया है, समझिए, कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कोई मंत्री है तो जब तक राष्ट्रपति का उस पर हाथ है तब तक वह मंत्री बना रहेगा।
जिसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को वह समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। ठीक, राष्ट्रपति उस मंत्री को हटा सकता है चाहे उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है लोकसभा में, तब भी उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन अब राष्ट्रपति मान लीजिए उसको कोई मंत्री पसंद नहीं है, व्यक्तिगत कोई कारण है, तो वहां हटा दे। इसमें समझिएगा, राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर नियुक्त किया है तो हटाने में भी प्रधानमंत्री की ही सलाह लेगा वो। ठीक है, यह प्रावधान है। अगली बात समझिए, कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। ठीक है, लीगल मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, मतलब कानून को लेकर के कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अर्थ क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, वहां तो कानून कहता है सभी के लिए बराबर सारे प्रावधान है। इसको समझो, संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, कानूनी जिम्मेदारी किसी मंत्री के जिम्मे नहीं है, मतलब या आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। ठीक, राष्ट्रपति ने कोई आदेश दिया तो उसमें मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, यही विधिक जिम्मेदारी ना होना कहलाता है। समझे, अगली बात, यहां तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, मंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दिया कि महोदय ऐसा ऐसा कार्य होना चाहिए, ये चीजें समिति ने तय किया है, ऐसे ऐसे प्रावधान लागू करने चाहिए, तो राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया और वो प्रावधान हो गया। अब वो आप ये नहीं कह सकते, न्यायालय में इस पर याचिका नहीं दायर कर सकते, या प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बोल सकता मैंने फलम जो है मंत्री के कहने पर ऐसा किया था। तो इस मंत्रियों की सलाह जांच के दायरे में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद का संगठन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, गठन कैसे होता है, अब इस पर बात करते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, इसमें क्या चीजें आएंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंफ्यूज मत होना, मंत्रिपरिषद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो गलत कर दोगे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसको समझते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। समझिए, अपने यहां जो मंत्री परिषद है इसके तीन श्रेणियां हैं, यानी इसके तीन तरीके के अपने यहां मंत्री होते हैं। पहला जो बनता है यह कहलाता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। दूसरा जो होता है यह कहलाता है राज्य मंत्री। और तीसरा जो विभेद है वह होता है उप मंत्री का। ठीक है, अब ये जो तीन प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, तीन प्रकार के मंत्रियों में क्या विशेष अंतर है, अब इसको जानिए। कैबिनेट मंत्रियों के पास जो है केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व अन्य मंत्रालय, इन कैबिनेट मिनिस्टर के पास होते हैं। वह कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरी बात, राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। ठीक है, अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। हालांकि वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते, वह तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित ना किया जाए। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक है तो उसमें मान लीजिए किसी राज्य मंत्री को बुलाया गया, तो तभी बुलाया, जब बुलाया जाएगा तभी वह व्यक्ति वहां पर उसकी बैठक में भाग लेने जाएगा, अन्यथा वह भाग लेने नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात आती है, जैसे कंफ्यूजन बनता है, बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये राज्य जो मंत्री बनते हैं इसमें स्वतंत्र प्रभार जिनको दिया गया वो विशेष अंतर है क्या राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र? कोई अंतर विशेष नहीं भैया, ये स्वतंत्र प्रभार का अर्थ हो गया कि जैसे आपके जो है कैबिनेट मिनिस्टर कार्य करते हैं अपने विभागों अपने मंत्रालयों को लेकर के, वैसे ही स्वतंत्र प्रभार का भी आपका मंत्री कार्य करता है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या कहता है, कह रहा है इस क्रम में अगला क्रम उपमंत्रियों का है।
इसका जो तीसरा मैंने आपको बताया कि तीन श्रेणी के मंत्री अपने यहां होते हैं, तो अगला जो क्रम होता है, दो तो हम जान लिए, एक राज्य मंत्री हो गया, एक कैबिनेट मंत्री हो गया, तीसरा उप मंत्री होते हैं। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है उप मंत्री को, वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। अगली बात, मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है, समझिए। अब शब्द मंत्रिमंडल आ गया, और इससे पहले क्या था, मंत्रिपरिषद था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में दोनों शब्दों में फर्क है। अब यहां मंत्रिमंडल आ गया, तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट का नाम आएगा, ठीक है, इसका किसका नाम आएगा, कैबिनेट मिनिस्टर का। ध्यान रखिएगा, शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, यह कैबिनेट मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल समझिए इसको। यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। सवाल पूछता है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से कौन वह संस्था है जो निर्णय लेने की क्षमता की दृष्टि से सर्वोच्च मानी जाती है, तो वह आपकी मंत्रिमंडल है। अगली बात, यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है, यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है, ठीक है, तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है, जो बोलेगी वो प्रेसिडेंट मानेगा, ठीक है। अगली बात समझिए, यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है, यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को भी देखती है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने यहां भैया, इसीलिए इसको सर्वोच्च संस्था के तौर पर हम जानते हैं। अब वही चीजें कि मान लीजिए जो कंफ्यूजन आप में बनी रहती है कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ये दोनों अलग हैं, ये तो चीजें आपने समझ लिया। अब दोनों के विभेद समझ लो कि पावर्स के हिसाब से भारतीय संविधान के जो है प्रावधानों के अनुसार क्या क्या अंतर हैं। तो मैंने दोनों को यहां लिखा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। इधर आपका है मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इधर मैंने लिख दिया है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन दोनों को समझिए अच्छे से और बहुत विधिवत ढंग से इनके अंतर को समझिएगा, यह सवाल पूछता भी है। जैसे जो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद होती है, इसमें सभी मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और क्या तीसरा उप मंत्री। इसमें जो मंत्रिमंडल होता है जिसको आप कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, ये केवल कैबिनेट जो है मिनिस्टर इसके अंतर्गत होंगे। या मंत्रिपरिषद का एक भाग होती है जो आपकी कौन सी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के एक भाग होते हैं, यानी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग है। दूसरी बात, जो मंत्रिपरिषद होती है यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, मंत्रिपरिषद सरकारी काम के लिए एक साथ कभी बैठक नहीं करती, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है मंत्रिपरिषद का। जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मिनिस्टर है, यह एक निकाय की तरह है, एक सिस्टम पूरा है, या सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती, इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती। अगली चीज, जो मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यह सैद्धांतिक रूप से इसको सभी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक, सैद्धांतिक रूप से। अगली चीज क्या है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट आपके मिनिस्टर्स होते हैं इनको वास्तविक रूप में सारी शक्तियां जो प्राप्त होती हैं उनका प्रयोग ये करते हैं, और सरकारें उसके लिए कार्य करती हैं, ठीक है, जो सरकारें हैं सरकारी कार्य है उसके लिए इन सारी शक्तियों का प्रयोग करके ये काम करते हैं। अगली चीज है, जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, मतलब मंत्रिमंडल एक अंग थी मंत्रिपरिषद की, लेकिन मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण कौन करता, मंत्रिमंडल करती है। अगली बात समझिए, मंत्री जो मंडल है या राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है, राजनीतिक निर्णय लेकर के मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है, तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, सभी पर क्या है, बाध्यकारी है, कंपल्सरी है। अगली बात समझिए,
यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। कौन? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यह कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो लिए गए आपके निर्णय हैं उनको लागू करती है। दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल है यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है कि हमारे द्वारा जो निर्णय लिए गए उनका अनुपालन मंत्रिपरिषद ने कितना किया है। अगली बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें अगर बात करें यह संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, इसका विस्तृत विवरण संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इसका प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 74 और 75 में है। अगर आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 74 आपका जवाब जाएगा। अगली चीज समझिए, अगर कहीं सबसे ज्यादा गलतियां यही होती, लोक सेवा आयोग यहीं से प्रश्न उठाया है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के कि कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, यह सवाल आया है, तो आप यह जवाब मत देना कि अनुच्छेद 74 में, नहीं तो वहीं गलत हो जाओगे, ठीक। समझिए, जो मंत्रिमंडल है यह संविधान के अनुच्छेद 352 में, कहां पर? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपसे कहीं पूछ ले कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह नहीं आना चाहिए कि अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 भैया मंत्री परिषद के लिए है, ना कि मंत्रिमंडल के लिए। मंत्रिमंडल के लिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अनुच्छेद 352 में शब्द लिखा गया है, ठीक है। अतः संविधान के मूल स्वरूप में यह शामिल नहीं था। कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री, कैसा लिखा है 352 में, कि प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, ठीक, इस तरीके से वहां प्रावधान लिखे हैं। इसके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं है। किसके? कैबिनेट के, मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। चलिए अब एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यह सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक, वो किसके प्रति होगी? लोकसभा के पास। दूसरी बात, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारियों को लागू करती है। शब्दों में खेल है, समझना बहुत अच्छे से। अगली बात, जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एक बड़ी निकाय है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक, जिसमें 60-70 मंत्री आते हैं, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। जो कैबिनेट होती है ये लघु निकाय है, मतलब छोटा सा, जिसमें 15-20 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में 15-20 मिनिस्टर होते हैं, और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है, 60-70 मंत्री पहुंच जाते हैं। तो यही मुख्यतः आपके विभेद है। आगे बढ़ते हैं, आप अगली चीज को समझते हैं दोनों में। देखिए, जो हम बात कर रहे थे किसमें, कैबिनेट को लेकर के, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनके बारे में हम बात कर रहे थे, अब इनको समझिए। कैबिनेट मिनिस्टर में बोल रहा है ये संविधान नेतर होती है, मतलब संविधान के इतर, संविधान के अलावा, मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। हालांकि उनके गठन, अच्छा, हम लोग मंत्रिमंडलीय समितियों की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल समिति की बात कर रहे हैं, इन चीजों को प्रावधान करिएगा। ठीक है, अब जो है अगला जो आपका पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को आप डालिएगा जो है मंत्रिमंडल समितियां। अब जो पॉइंट बनेगा वो मंत्रिमंडल समितियां होगा। मंत्रिमंडल समितियों पर अब हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। समितियां तो आपने बहुत सुना है, समितियां ही मेन होती है। समितियों में ये विपक्ष और पक्ष नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है, कि जैसे पक्ष और विपक्ष में लड़ाई दिखती है,
जो समितियां बनती हैं, जिसको अध्यक्ष बनाया जाता, वो बहुत विधिवत कार्य करता है अपने यहाँ। ये समझ लीजिए कि सब कुछ, जितना कुछ आपको दिखता है भारतीय प्रशासन में, पूरी चीजें या सब कुछ समितियों का ही खेल है। समितियों की अपने जो रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। हमेशा समितियां जो है काम करती हैं हमेशा। इसमें ना तो वह व्यक्ति पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है। जिसको जिस समिति का अध्यक्ष बनाया गया वह बहुत बखूबी कार्य करता है। और भारत में समितियों को लेकर के आप देखें वर्तमान स्थिति को, तो समितियों का रोल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, कैसे? ये जो समितियां हैं ये संविधानेतर होती है, यानी संविधान में इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, हालांकि उनके गठन हेतु कार्य नियम का प्रावधान किया गया है। मतलब इनके गठन के लिए कार्य नियम का प्रावधान तो है, लेकिन इनका उल्लेख जो है संविधान में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई समिति बनाई गई, परमानेंट बनाई गई, एक तदर्थ समिति बनाई जाती है जिसको आप एडहॉक कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो परमानेंट कौन सी जो है कमेटी होती है, समिति होती है, एडहॉक कमेटी क्या होती है, ये चीजें समय और उपयोगिता के अनुसार तय होती है। अस्थाई समिति स्वभाव से अस्थाई तथा तदर्थ समिति यानी एडहॉक जो कमेटी होती है ये अस्थाई होती है। एडहॉक की जगह हम अस्थाई भी बोल सकते। ठीक, अगली बात, तदर्थ समितियां समय समय पर विशेष मामलों के लिए गठित की जाती हैं। एडहॉक कमेटी जो है जब हमको जो जरूरत पड़ेगी उस अनुरूप उनका गठन चलता रहता है। अगली बात, ये प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग एवं स्थिति के अनुसार गठित की जाती है आपकी एडहॉक कमेटी। जो अस्थाई समिति है ये मैंने बताया कि जैसा समय पड़ेगा प्रधानमंत्री को जरूरत हो गई तो वो एक एडहॉक कमेटी की नियुक्ति कर देता है। अतः इनकी संख्या, नाम तथा बनावट समय समय पर भिन्न होती है एडहॉक कमेटी की। अधिकांशतः इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। किसकी? जो आपकी कौन सी अस्थाई कमेटी होती है। दूसरी बात, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक होती है। ये अच्छा, ये उसको लेकर बातचीत है, मतलब जो अस्थाई के तौर पर है जिसको एडहॉक के तौर पर जाना जाता है। अगली बात करता है, इनमें ना केवल संबंधित मामलों के मंत्री शामिल होते हैं, अपितु वरिष्ठ मंत्री भी शामिल कर दिए जाते हैं। जिनका अनुभव अच्छा है उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कार्य विभाजन और प्रभावी मंत्रिमंडल के सिद्धांत पर आधारित है। जितनी समितियां हैं समितियों का कार्य विभाजन किया जाता है भैया। ठीक है, और उन्हीं के सिद्धांतों पर जो है ये काम करती है। अगली बात, 4 महत्वपूर्ण स्थायी समितियां कौन कौन सी, इनको आपको जानना भी चाहिए। पहली चीज होती है राजनैतिक मामलों की समिति, दूसरी होती है आर्थिक मामलों की समिति, तीसरी होती है नियुक्त समिति और चौथी होती है संसदीय मामलों की समिति। ये 4 आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली बात, प्रथम 3 समितियों के प्रमुख जो है प्रधानमंत्री और अंतिम के गृह मंत्री, यानी जो संसदीय मामलों की समिति है उसका प्रमुख गृह मंत्री होता है। सवाल पूछा है ठीक कि संसदीय मामलों के समिति का जो है मंत्री कौन होता है, गृह मंत्री। और जो 3 है, एक राजनीतिक मामलों की समिति है, दूसरी आर्थिक मामलों की समिति है और तीसरी नियुक्ति समिति है। इन तीनों के जो आपका अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं केंद्रीय सचिवालय की ओर। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की ऑफिस होती है, पीएमओ होता है, ऐसे जो आपके पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं इनकी भी जिम्मेदारी या विभाग या प्रशासन के तौर पर सचिवालय की भूमिका क्या होती है इसको समझिए। ठीक है, सचिवालय क्या है? केंद्रीय सचिवालय एक संघीय कैबिनेट के लिए स्टाफ एजेंसी है। जैसे पीएम के लिए पीएमओ, वैसे संघीय कैबिनेट के लिए क्या है? स्टाफ एजेंसी। जो मंत्रिमंडल है उसके लिए एक स्टाफ एजेंसी है कि मंत्रिमंडल के लिए पूरे स्टाफ उसके लिए होते हैं। ठीक है, सारे ऊपर से नीचे तक वहां पदाधिकारी मौजूद होते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व व निर्देशन में कार्य करता है। पूछता है केंद्रीय सचिवालय किसके निर्देशन में कार्य करता है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री। इसकी भूमिका केंद्र सरकार में उच्च स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, इसका नेतृत्व राजनैतिक रूप से प्रधानमंत्री तथा प्रशासनिक रूप से कैबिनेट सचिव करता है। राजनीतिक रूप से कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर देखें तो वहां पर आपका कौन बैठा होता है? वहां कैबिनेट सचिव बैठा होता है, वो देखता है। यह कैबिनेट सचिवालय 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के स्थान पर अस्तित्व में आया।
पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी, अब उसकी जगह पर क्या किया गया, उसकी जगह पर एक ये है कैबिनेट सचिवालय बना दिया गया, ताकि क्या हो, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके लिए स्टाफ का जो इंतजाम हो, ठीक। अब भाई जितने उनके वर्क होने हैं विभागों से संबंधित, उनके लिए तो स्टाफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उन स्टाफ में ये सारे लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूमिका व कार्य क्या होता है, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो समितियां होती, ये केंद्रीय सचिवालय है, इस सचिवालय की भूमिका क्या है और इसके कार्य क्या क्या प्रावधानित है, इनको समझते हैं। देखिए भैया, केंद्रीय सचिवालय के कार्य जो है निम्नलिखित हैं, कैसे, यह संबंधित मंत्रालयों या विभागों व अन्य एजेंसियों द्वारा कैबिनेट के निर्णयों को लागू करता है, मंत्रालय जो आपका सचिवालय होगा। दूसरी बात, यह कैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है, जो समितियां बनी है उनको सहायता चाहिए, वो सारी सहायता ये उपलब्ध करवाता सचिवालय आपका। तीसरी बात, यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा सभी केंद्रीय मंत्रियों को केंद्र सरकार की गतिविधियों की जानकारी देता है, ठीक है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको केंद्र सरकार की क्या क्या गतिविधि चल रही है उन सभी के बारे में सूचना देने का कार्य केंद्रीय सचिवालय करता है, समझ गए। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी और कुछ पॉइंट हैं, ये देखिए, कह रहा कि जो केंद्रीय सचिवालय होता है या केंद्र सरकार में मुख्य समन्वय समिति, ठीक है, आपस में समन्वय करना, आप मुख्य समन्वय समिति का कार्य करता है, इस संबंध में यह मंत्रालयों के बीच विवादों को सुलझाता है, ठीक है। किसी मंत्रालय के बीच में विवाद हो गया तो उसके लिए आपकी यही काम आती है, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यह कैबिनेट की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, कैबिनेट की अगर बैठक हो रही है तो उसके लिए कार्यसूची तैयार करेगा, ठीक है। आगे, और इसके विचार विमर्श के लिए आवश्यक जानकारी व सामान का प्रबंध करता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि जो इतनी भी आपकी कैबिनेट की बैठकें होती है उन बैठकों के लिए जो पूरा प्रावधान होगा, कार्यसूची तैयार होगी, यानी कैसे कैसे वर्किंग कोई भी विभाग आपका करता है, उन सभी के लिए जितने भी प्रावधान आपके बनते हैं वह सारे प्रावधान किसके द्वारा बनेंगे, वह सारे प्रावधान आपके इस केंद्रीय सचिवालय के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर समिति के द्वारा कोई बैठक होनी है, ठीक, कुछ ऐसा निर्णय होना है तो उन सभी मामलों में कौन कार्य करेगा, उन सभी मामलों में सबसे पहले कार्यसूची जो तैयार होगी वह कार्यसूची केंद्रीय सचिवालय के द्वारा तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है उसमें ध्यान दीजिए। देखिए, मंत्रिमंडल, अगर सचिव के बारे में हम बात करें कि जो मंत्रिमंडल सचिव होता है इसकी जिम्मेदारी सचिवालय के तौर पर क्या होती है, तो देखिए, शब्द जुड़ा है मंत्रिमंडल, कैबिनेट से, और दूसरी बात आती है सचिव की, तो कैबिनेट में सचिव के लेकर के क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान कैसी चीजें करता है, इनको समझिए। देखिए, कैबिनेट जो सचिव होता है या केंद्रीय सचिवालय में प्रशासनिक प्रमुख होता है, ठीक, जो केंद्रीय सचिव होगा, कैबिनेट सचिव होगा, जो आपकी ये बनती है, केंद्रीय सचिवालय बनता है, इसमें किस तौर पर होता है, इसमें वह प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली बात, निम्नलिखित बिंदु कैबिनेट सचिव के कार्यों, भूमिका व शक्तियों के प्रमुख आकर्षण हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना लाजमी है, उनको समझिए अच्छे से। पहली चीज तो यह है कि जो आपकी कैबिनेट सचिव है केंद्रीय सचिवालय में, इसकी प्रशासनिक वर्किंग को समझिए क्या क्या है। कहता है कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय व विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों तथा प्रशासन व राजनीति के बीच कड़ी है, ठीक है, किसके किसके बीच, प्रशासन के बीच और राजनीति के बीच में एक कड़ी की तरीके से वर्क करता है। दूसरी बात, यह वरिष्ठ चयन परिषद का अध्यक्ष है, जो चयन परिषद होती है उसका यह अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के लिए अधिकारियों का चयन करता है, किसमें, केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के अधिकारियों का जो है चयन करेगा, ठीक। अगली बात, यह मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, किसी मंत्री को अपनी छवि धूमिल करने के मामले में किसी समाचार पत्र के प्रकाशक अथवा संपादक के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर करना है तो वह उसको करने से पूर्व कैबिनेट सचिव की अनुमति लेना बहुत जरूरी है, ठीक, ये कंपलसरी के तौर पर आता है। आगे बढ़ते हैं,
यह प्रशासन के लिए सचिवों की समिति का अध्यक्ष है जो अंतर मंत्रालय विवादों को हल करने के लिए गठित होगी। जितनी भी गठित होंगी उनका अध्यक्ष कौन एक तरीके से बनेगा, वह आपका यही होगा, कैबिनेट सचिव होगा। तो आज के जो प्रावधान थे, ठीक है, जितने कैबिनेट आपके मिनिस्टर से संबंधित, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित और साथ ही साथ कैबिनेट सचिवालय से संबंधित, उम्मीद है बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी चीजें आपकी दूर हो चुकी होंगी। इसको बहुत ढंग से एक बार और रिवाइज कर लेना, क्योंकि भैया अगर आप पीसीएस प्री में बैठने जा रहे हो या लोअर मेंस की परीक्षा लगी है या बीओ की परीक्षा है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जहां से आपको उलझाने वाले सवाल पूछता है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया जैसा लेक्चर लग रहा है उस अनुसार बढ़िया बढ़िया कमेंट देते रहो। वीडियो जो पसंद आ रही है उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, फेसबुक पर आप, अपनी टाइमलाइन पर, व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उनमें सभी को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इससे आगे के जो आपके अधिकारी है उनके बारे में विशेष परिचर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।